हेलो, मेरा नाम रिंकू है। मैं 9 साल 7 महीने की हूँ, मतलब मैं 10 साल की ही हूँ। आज बारिश हो रही है और मुझे बारिश बहुत पसंद है, पर बारिश में स्कूल जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर दिन स्कूल आना जाना खो खो खेलने जैसा होता है। मैं कचरे के ढेर और बड़े गड्ढों के ऊपर से कूदती हूँ, स्कूटर और फेरी वालों से बचकर निकलती हूँ, और आज मुझे गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाना पड़ रहा है। अरे नहीं, मेरे जूते। लेकिन सब इतना भी बुरा नहीं है, स्कूल जाने के रास्ते में गुलमोहर का एक सुंदर पेड़ भी आता है। इस पेड़ से गिरे लाल फूलों को उठाकर मीना मैम को देना अच्छा लगता है। और मुझे डर भी लगता है। यह ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं करते। सड़क पार करते वक्त कोई गाड़ी धीरे नहीं चलाता और ड्राइवर्स तो हमें देख भी नहीं पाते। पहुंच गई, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। मुझे अभी भी स्कूल के अंदर जाना है और लोगों ने गेट के सामने बहुत सारे स्कूटर्स आड़ी तिरछी खड़ी कर दी है। अब मैं क्या करूं? ये स्कूल पहुंचना इतना मुश्किल क्यों होता है? काश मैं स्कूल आराम से चलकर पहुंच पाती। काश वहां एक साफ चौड़ा फुटपाथ होता जिस पर मैं चल पाती। काश मैं प्यारे फूलों को बिना डरे आसानी से उठा पाती। काश मैं खुद से सड़क पार कर पाती। भारत में हर दिन 30 से ज्यादा बच्चे सड़क दुर्घटना में जान गंवा देते हैं। स्कूल के आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण जरूरत है, पर इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुरक्षित स्कूल क्षेत्र एक संस्थान के आसपास का ऐसा इलाका होता है जहां गाड़ियां कम रफ्तार से चलती हैं, रास्ते खुशनुमा होते हैं और साफ दिखने वाले साइनबोर्ड्स होते हैं जिनसे बच्चों को एक सुरक्षित और उत्साहपूर्ण वातावरण मिलता है। आप ये बदलाव ला सकते हैं, एक मां या पिता के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक ट्रैफिक कर्मचारी, एक महापालिका अधिकारी या सिर्फ एक जागरूक नागरिक के तौर पर। रिंकू की आवाज लोगों तक पहुंचाएं। स्कूल क्षेत्र प्रबंधन समिति बनाने के लिए अपने स्थानीय स्कूल से आग्रह करें, जागरूक बने और अपने लिए सुरक्षित स्कूल क्षेत्र की मांग करें।